होने के सबूत लेकर कई कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित निवास पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने कहा कि हमने जो कहा था वो काम पूरा किया है, अब शिवराज सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा दें। तो वहीं प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है, जिसमें बीजेपी के पक्ष में ही वोट पड़ेंगे। ये कहना है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। उनका कहना है कि बीजेपी 300 से ज्यादा और एनडीए 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और देश की जनता ने मोदी को वोट देने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव शेष है। अब तक जो चुनाव संपन्न हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है। हम पुराने विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेगी और एनडीए को मिला के हम 350 के पार जाएंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर दिया है। सरकार का फर्क आज जनता साफ महसूस कर रही है। इस प्रदेश की सरकार ने कोई वचन नहीं निभाया, वादे पूरे नहीं किए, उसके जनता गुस्से में है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और कांग्रेस की सरकार को सबक सिखाना चाहती है, और इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी।